टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। बैतूल जिले की भौरा नदी के पास रेलवे ट्रैक किनारे बाघ शावक का शव मिला था। पिछले 10 दिनों में ये तीसरे बाघ की मौत है। एक और बाघ की मौत की खबर से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। होशंगाबाद से बैतूल तक वन विभाग के अधिकारी सकते में हैं। बैतूल CCF मोहन मीना अपने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना कर बाघ शावक की मृत्यु ट्रेन से टकराने के कारण होना बताया जा रहा है। भौरा रेंज में आने वाले नागपुर इटारसी रेलवे ट्रैक पर भौरा नदी के पास शावक ट्रेन की चपेट में आ गया। CCF मीना ने बताया, ट्रैक किनारे जहां शावक का शव मिला उसके कुछ कदम की दूरी पर एक कुत्ता मरा हुआ है। संभवतः शावक मां के साथ आया होगा। उसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। शावक की उम्र करीब 10 माह है। होशंगाबाद संभाग में 10 दिन में 3 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 की ट्रेन हादसे में, 1 की अन्य कारण से हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।